सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हो गाइस आप सब लोग? आई होप यू आर मच बेटर। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, है ना भाई? कोई ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो प्रॉपर प्रोटीन के ऊपर। मतलब जो प्रोटीन आप लोग, मतलब जैसे कि आपको दिन भर में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है? तो पहले तो इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा अपने को 2-3 पार्ट में, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, क्योंकि डिवाइडेड करना पड़ेगा, ठीक है? प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर दिन ज़रूरी पड़ती है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका डेली प्रोटीन आपको नहीं मिला तो आपकी एनर्जी नहीं बनी रहेगी, आप जो काम कर रहे हो उसमें बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा, मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी, ठीक है? तो प्रोटीन ऐसा है, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे प्रोटीन जो होता है, तो प्रोटीन में आप सोचते होंगे कि बहुत लोगों ने मिथ फैला के रखा है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है, ऐसा वैसा ही हो, तो मतलब आपकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट आता है अंदर, या डिसएडवांटेज हो जाते हैं उसके कारण। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, प्रोटीन ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अपनी बॉडी एक मशीन है, ठीक है? मशीन जितना काम करेंगी उतना तेल खाएंगी, ठीक है? तो मशीन जितना काम करेंगी उतना तेल खाएंगी, बाकी सब वेस्ट में जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो है कि प्रोटीन आप कितना भी खाओ, मतलब जैसे कि ज़्यादा खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कम खा लिया तो उसको बढ़ाओ। तो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्रोटीन ज़्यादा खाने से कुछ लीवर प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 3 कैटेगरी में मैंने उसको बांटा है। तो जैसे कि पहले लोग है वो कि जो वर्कआउट, जो स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं करते, बस ऑफिस वाले स्टूडेंट हो गए, या जैसे मेरे जैसे कॉलेज वाले स्टूडेंट हो गए, तो वो सब जो लोग नहीं जाते, मतलब स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं रहती है, ठीक है? तो उनके लिए मैं बताता हूँ। तो जैसे आपका वेट है, समझ लो मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है? जैसे मेरा वेट है 50 ग्राम, अरे 50 मतलब 50 किलो है मेरा वेट, ठीक? तो 50 किलो वेट में 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट, ठीक है? तो मतलब आपकी जितनी बॉडी वेट है उसको इंटू कर दो 1 से। तो जैसे 50 है तो 50 × 1 = 50, तो 50 ग्राम आप लोगों को प्रोटीन चाहिए रहेगा, जो लोग स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं करते। मतलब आपकी जितनी बॉडी का वेट है उतने ग्राम आपको प्रोटीन डेली चाहिए रहेगा, ठीक है? तो दूसरी है, जो थोड़े थोड़े स्पोर्ट में, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि मसल बिल्ड कर रहे हैं, चाहे बॉडी बना रहे हैं, या मतलब कुछ बहुत बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे जो स्पोर्ट है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब जो नॉर्मली स्पोर्ट होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट एक्टिविटी करता है बंदा, तो उसको 1.5 × 50 किलो पर बॉडी वेट, मतलब 1.5 प्रोटीन पर बॉडी वेट आपको लेना चाहिए, ठीक है? तो जैसे आपका 50 है, मतलब मेरा समझ लो 50 है, 50 × 1.5 आएगा, तो वो आएगा आप लोगों का 75 ग्राम प्रोटीन, ठीक है? तो आपका 75 ग्राम प्रोटीन हो गया। तो ये होगा सेकंड थिंग, मतलब सेकंड जो दूसरा बंदा है जो स्पोर्ट एक्टिविटी करता है, ना कि मसल बिल्ड करता है, ठीक? और तीसरे जैसे हम लोग क्या है, मेरी इतनी बॉडी नहीं है, ठीक है? तो मेरे को मसल बिल्ड करना है, तो मेरे को मसल बिल्ड करने के लिए क्या होता है कि प्रोटीन हेल्प करता है मसल बिल्ड करने के लिए। जैसे कि अब मैं मेरा 50 किलो वेट है, तो 50 किलो वेट में 2.5 या 2.4, ऐसे नॉर्मली 2.5 ही लेते हैं सब लोग, तो मैं भी 2.5 ही लेता हूँ, तो 2.5 प्रोटीन पर बॉडी वेट, मतलब 50 किलो मेरा वजन है, 2.5 से इंटू कर दो 50 का, तो ये हो गया 125 ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए रहता, जो मैं ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया 3 लोगों का, ठीक है? तो पहले लोग जो वो है जो स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं करते, दूसरे वो लोग हैं जो स्पोर्ट एक्टिविटी करते पर मसल बिल्ड के लिए नहीं करते, थर्ड वो लोग हैं जो मसल बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? जिसको बॉडी बनाना है, किसी को अपनी फिजिक को मेंटेन रखना है, उसको मसल बिल्ड करना है, तो उसके लिए तो तीनों चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप लोग आपके हिसाब से, आपके जितने भी बॉडी वेट होगा, आप उसके हिसाब से आप उसको काउंट करके आप उसमें लगा सकते, मतलब उतना प्रोटीन आप लोग ले सकते हो, ठीक है? और प्रोटीन में दो चीज़ रहती है, मतलब जो आपको हेल्प करती है, दो चीज़ मेरे ख्याल से तो दो ही चीज़ रहती है, आगे भी मैं तो बता नहीं रहा हूँ,
मतलब दो चीज़ रहती है, वैसे तो ढेर चीज़ रहती है, दो चीज़ जैसे पहले तो मसल रिकवरी करती है ठीक, हाँ, और दूसरा एनर्जी बनाए रखती है। मसल रिकवरी आप लोगों को पता है कि जैसे जो जिम जाता है बंदा, तो वो जिम जाने के बाद में आने के बाद मतलब जो मसल टूट जाती है ना, क्रैक पड़ जाते हैं अंदर है ना, या बाहर नहीं, अंदर जो मसल टूट जाते हैं वर्कआउट करते करते समय, उसके बाद आने के बाद आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन आपकी जो वो मसल डैमेज हुई है उसको रिकवर करने में उसको हेल्प करेगा ठीक है, प्रोटीन। तो ये तो मसल रिकवर। सेकंड एनर्जी, मतलब जैसे एनर्जी बनाने के लिए अपन लोग कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है ठीक, तो उसमें हेल्दी कार्ब्स होता है जो आपकी एनर्जी बनाए रखेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जो खा लेते हैं तो अपन लोग एकदम से कहीं बैठ जाओ, मतलब कहीं खाने के बाद कहीं घूमते फिरते नहीं बैठ जाते तो वो फैट जमा हो जाता है, वो वैसा फैट नहीं रहता है। और एनर्जी इतनी बनाए रखेगा ना वो प्रोटीन में, वो बहुत ही जानदार रहता है। मतलब प्रोटीन में दो चीज़ बहुत मेन रहती है, एक तो मसल रिकवरी के लिए और एनर्जी बनाने के लिए। तो आप लोगों को ये ब्लॉग, मैं ब्लॉग बोलते रहता हूँ, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। और कोई मतलब और कोई आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि भाई साहब ये इसमें क्या करा जाए, उसमें क्या करा जाए ठीक है। मैं आप लोगों के सवाल देने के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। यूज़र नेम है द लोकेश लाइफ स्टाइल, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।